हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक कुमार उत्तम और स्वागत है आप सभी का मेरे रिव्यू चैनल पर। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं टाइगर 3 के ट्रेलर का रिव्यू। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो फाइनली टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका है, जो कि 2 मिनट 51 सेकंड का है। इस ट्रेलर में सलमान खान का जलवा वैसे ही बरकरार है जैसे कि टाइगर जिंदा है में था। इसमें एक से बढ़कर एक एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे और ख़तरनाक है। भाई, कैटरीना कैफ में पहले से ज़्यादा खतरनाक एक्शन करते हुए दिखाई दी। कुछ पुराने कैरेक्टर्स को भी इसमें दिखाया गया और काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी एंट्री कराई गई। इसके अलावा इसमें इमरान हाशमी को भी 2 सेकंड्स के लिए दिखाया गया, लेकिन क्या ज़बरदस्त सीन था। आपको ये सीन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस बार इस मूवी में टाइगर सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि खुद को और अपनी फैमिली को भी बचाएगा। मतलब इस बार बात बिल्कुल पर्सनल लेवल पर होगी। इस पूरे ट्रेलर में हमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। इस मूवी का जो एक्शन है वो पठान से भी हाई लेवल का होने वाला है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखो यार, हम सबको इतना तो पता है कि ये जो मूवी है वो यशराज के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है, जिसमें टाइगर जिंदा है, पठान और वॉर जैसी मूवीज शामिल हैं। और ये जो डायलॉग है, आई नीड यू फॉर अ मिशन, रॉ के लिए नहीं, पर्सनल है, इससे तो ये बात साफ है कि इसमें किसी का तो कैमियो होने वाला है। अब वो पठान का होगा, कबीर का होगा या किसी और का होगा, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चल पाएगा। देखो, कुल मिला के ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार था। और ये जो मूवी है वो रिलीज़ हो रही है 12 नवंबर, यानी कि ठीक दिवाली के दिन, यानी कि डबल धमाका। तो आपको रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।